विपक्ष के द्वारा संसद की कार्यवाही नहीं चलने को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई नेता व सांसद उपवास पर बैठे। पिछले दिनों कांग्रेस ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उपवास किया था। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए गुरुवार को दिल्ली के सातों सांसद उपवास पर बैठ गए, जो कि वर्तमान राजनीति में आग में घी का काम कर रही है। अब भाजपा पूरी तरह दोनों पार्टियों की आलोचना करने में जुट गई है। कांग्रेस के देशव्यापी उपवास के बाद गुरुवार को बीजेपी ने भी देशव्यापी उपवास किया। बीजेपी का ये उपवास कार्यक्रम विपक्ष द्वारा संसद में कार्यवाही नहीं चलने देने के विरोध में किया जा रहा था। चांदनी चौक संसदीय सीट से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन अपने क्षेत्र के उपवास स्थल टाउन हॉल के समीप निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पहुंच उपवास पर बैठ गए। तो वहीं नई दिल्ली संसदीय सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी 25 मिनट की देरी से उपवास स्थल पर पहुंची और वह कार्यकर्ताओं के साथ उपवास के लिए बैठ गयी। उनका साथ देने के लिए राज्यसभा सदस्य विजय गोयल भी पहुंचे थे। राजधानी में केजरीवाल सरकार और उनके अधिकारियों के बीच लगातार चल रही नोकझोंक अब दिल्ली नगर निगम तक दस्तक दे चुकी है। पूर्वी एमसीडी की राजनीतिक विंग और प्रशासनिक विंग की नोकझोंक भी आजकल सुर्खियों में है। आलम यह है कि निगम के आयुक्त रणवीर सिंह के खिलाफ बगावत के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही हाथ मिला लिया है। यूपी में योगी राज में बदमाशों की जान पर बन आई है। यूपी पुलिस बदमाशों का सफाया करने में कोई चूक नहीं कर रही है। ताजा मामला नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ का है, जहां दो बदमाशों को गोली लगी है। नोएडा के थाना 39 के हाजीपुर अंडरपास पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैर में गोली लग गई। दोनों घायल बदमाश को तत्काल नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। यमुना एक्सप्रेसवे के जेबर टोल प्लाजा के पास 3 अप्रैल को हुई 6.25 क्विंटल चांदी की लूट का आरोपी विदेश भागने से पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इस लूटपाट में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 618 किलो चांदी और लूट के लिए प्रयोग की गई इनोवा कार, एक पिस्टल और एक 315 बोर का तमंचा, साथ में एक नीली बत्ती, फर्जी नंबर प्लेट की कार और एक खाकी वर्दी बरामद की है। चांदी की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है।